मुआज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, शबनम म्यूजिक और एनडीजे जुनेजा पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ये बड़ा हसीन वाकया। आप तफसील से सुनेंगे किस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और फिर आप किस तरह धीरे धीरे जवानी के आलम में पहुंचे, किस तरह आपने अपनी जिंदगी के 30 साल उसी जालिम फिरौन के महल में गुजारे जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, और उसने क्या क्या जुल्म किए उन बच्चों पर जो माएं जन्ने वाली थीं, और फिर इसका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह जिसको रखे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात साफ जाहिर है। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब ने, म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। आइए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया मुलाहिजा कीजिएगा। है कुरान पाक में अनवार ये लिखा सुनो, है कुरान पाक में अनवार ये लिखा सुनो, है कुरान पाक में अनवार ये लिखा सुनो, हजरत मूसा का और फिरौन का किस्सा सुनो, हजरत मूसा का और फिरौन का किस्सा सुनो, हजरत मूसा का और फिर ओन का किस्सा सुनो। मिस्र में इसकी हुकूमत थी बड़ा मलून था, कहलवाता था खुदा खुद को वो जो फिरौन था, 400 कुछ साल की इसको मिली थी जिंदगी, हर बलाओ मर्ज से थी साफ इसकी जिंदगी, जाल साजी का बिछाया जाल इसने मिस्र में, अपना कायम कर लिया इकबाल इसने मिस्र में, ना समझ थे फंस गए इस जाल में इंसान, फिर कर दिया अपनी खुदाई का वहां ऐलान, फिर जिसने माना रब इसे बख्शा उसे फिरौन ने, जो न माना कत्ल उसको कर दिया मलून ने, महल एक दरिया किनारे इसने बनवाया अजीम, नाम ऐनुल शम्स रखा तूल था उसका अजीम, एक नहर दरिया किनारे से महल तक आई थी, हौज भी बनवाया और सोने से वो सजवाई थी, पानी दरिया से निकल कर नहर में आता था वो,
से वो जीता था, बड़ा मक्कार था, काम लेता अक्ल से, जालिम बहुत अय्यार था। खून बहाना बेबसों का इसका शेवा आम था, मिस्र में चारों तरफ मशहूर इसका नाम था। लोग डरते थे इसे, कहते थे वो अपना खुदा, कुछ खबर उनको नहीं थी कौन है अपना खुदा। ख्वाब देखा एक दिन फिरौन ने सोते हुए, दो शजर दरिया किनारे पर जो थे ऊपर गए। सुबह को हर एक नजूमी को बुलाया महल में, ख्वाब फिर अपना सभी उनको बताया महल में। ख्वाब की ताबीर बतलाओ मुझे होना है क्या, ये कहा हर एक नजूमी ने अभी रोना है क्या। उसकी किस्मत के सितारे देख कर थर्रा गए, किस जबां से राज बतलाए सभी घबरा गए। अर्ज की गर जान की पाए अमा बतलाए हम, अर्ज की गर जान की पाए अमा बतलाए हम, अर्ज की गर जान की पाए अमा बतलाए हम। होने वाली है जो कल इस बात को समझाए हम, होने वाली है जो कल इस बात को समझाए हम, होने वाली है जो कल इस बात को समझाए हम। ये कहा फिरौन ने बेखौफ बतलाओ मुझे, जान बख्शी है तुम्हारी जल्द समझाओ मुझे। बोले वो इस साल एक लड़का जहां में आएगा, उसके हाथों आपका जोरे हुकूमत जाएगा, उसके जेरे हुक्म होंगे लोग सारे बादशाह। ये बताते हैं हमें किस्मत के तारे बादशाह, आने वाली तीन रातों में ये सब हो जाएगा। बाप के नुतफे से वो माँ के रहम में आएगा, सुन के नाला था उसे जब राज ये समझा दिया। ममलिकत में हर तरफ ऐलान ये करवा दिया, आदमी कोई भी ये गलती से ना जुर्रत करे, अपनी बीवी से कोई इंसान भी ना सोहबत करे। कत्ल कर दूंगा उसे जो हुक्म टालेगा मेरा, मैं खुदा हूँ याद रखना नाम है आला मेरा। आगे जा सकता नहीं इंसान कभी तदबीर से, आगे जा सकता नहीं इंसान कभी तदबीर से, आगे जा सकता नहीं इंसान कभी तदबीर से। लेना पड़ता है वही मिलता है जो तकदीर से, लेना पड़ता है वही मिलता है जो तकदीर से, लेना पड़ता है वही मिलता है जो तकदीर से। पहरा हर घर पर लगा कर कुदरत ने यूं एक रात में इस काम को, एक इंसान जान से फिर ऑन पर कुर्बान था, नाम था इमरान उसका नेक
बच्चे थे घर, उसकी तबीयत शाद थी। एक थे हारून, एक मरियम, यही औलाद थी। था नदीमों में अहम, फिर ऑन एक दिन सो गया। पहरा देने के लिए इमरान हाजिर हो गया। बीवी को इमरान की फिर शौक सोहबत का हुआ। चल पड़ी घर से न कुछ एहसास इज्जत का हुआ। आ गई छुपती छुपाती महल में फिर आन के। पहरे पे हाजिर थे शौहर उस घड़ी मलून के। देखा बीवी को न दामन सब्र का था हाथ में। हो गए वासिल वहीं दोनों खुशी के साथ में। हजरत मूसा शिकम में वालिदा के आ गए। हजरत मूसा शिकम में वालिदा के आ गए। हजरत मूसा शिकम में वालिदा के आ गए। बीवी रुखसत हो गई, इमरान भी शर्मा गए। बीवी रुखसत हो गई, इमरान भी शर्मा गए। बीवी रुखसत हो गई, इमरान भी शर्मा गए। सब ही सोते रह गए, कोई खबर उनको न थी। बात थी बस ये खुदा के इल्म में इस रात की। काहिनों को फिर बुलाकर इसने ये पूछा, तभी लड़का वो पैदा हुआ है या नहीं बोलो अभी। आ गया माँ के शिकम में, काहिनों ने कह दिया। और गुज़िश्ता रात का सब हाल उससे कह दिया। हुक्म जारी हो गया फिर आन जालिम का। तभी लड़का जो पैदा हो उसको कत्ल कर देना। तभी जो हमल से औरतें थीं उनको पहचाना गया। दाया ने तहकीक की फिर ये सितम ढाया गया। जो भी माँ जनती थी लड़का कत्ल कर देता था वो। लड़कियों को छोड़ देता, माल जर देता था वो। सैकड़ों नौजायदा बच्चों का खून बहने लगा। बिलबिलाती रह गई माओ का दिल कहने लगा। जुल्म हम पर कब तलक फिर ऑन करता जाएगा। जुल्म हम पर कब तलक फिर ऑन करता जाएगा। जुल्म हम पर कब तलक फिर ऑन करता जाएगा। मौत जब फिर ऑन की होगी वो दिन कब आएगा। मौत जब फिर ऑन की होगी वो दिन कब आएगा। मौत जब फिर ऑन की होगी वो दिन कब आएगा। एक दिन रोटी बनाने आ गई मूसा की माँ। दर्द जहजारी हुआ, घबरा गई मूसा की माँ। हजरत मूसा कलीमुल लाह फिर पैदा हुए। शक्ल मूसा पर जमीनों आसुमा शैदा हुए। वालिदा के शिकमे अतहर से निकल आए कलीम। देखती ही रह गई वो हुस्ने ज़ेबाए कलीम। आ गए फिर ऑन के फौजी फुगा करती थी वो। कत्ल हो जाएगा अब बच
बच्चा बहुत डरती थी वो एक कपड़े में लपेटा रख दिया तंदूर में उस पे एक हांडी चढ़ा दी छुप गया तंदूर में हाथ फेरा पेट पर उसमें हमल पाया नहीं हो गए रुखसत कभी कोई इधर आया नहीं अपने गालों पर तमाचे मार कर रोती थी वो मैंने बच्चा मार डाला मुजतरिब होती थी वो देखा जब मूसा नबी को हाथ में एक सेब था देखा जब मूसा नबी को हाथ में एक सेब था देखा जब मूसा नबी को हाथ में एक सेब था खेलते थे आप उसमें इंतजामे गैब था बच्चे को पिलाया उसम चलती रात में बंद किया संदूक में उनको अंधेरी रात में नील दरिया में बहाया आपने संदूक को माँ ने फिर बेटी को भेजा देखने संदूक को ये कहा तू इसके पीछे जा मेरी नूरे नजर ठहर जाए ये जहां तू मुझको आकर दे खबर चल पड़ा संदूक दरिया से जो कटती थी नहर रुक गया बहता हुआ फिर ऑन के वो हौज पर तख्त पर फिर ऑन था और आसिया बीबी थी वो साथ में फिर ऑन के उस दम वहां बैठी थी वो फिर नजर संदूक पर फिर ऑन जालिम की पड़ी आसिया को जब बताया हो गई वो भी खड़ी हौज से संदूक लाई आसिया बीबी तभी खोल कर देखा तो उसमें शक्ल पाई चांद सी हो गया फिर ऑन आशिक उनके रूए पाक पर हो गया फिर ऑन आशिक उनके रूए पाक पर हो गया फिर ऑन आशिक उनके रूए पाक पर बोला वो तारा नहीं ऐसा कोई अफलाक पर बोला वो तारा नहीं ऐसा कोई अफलाक पर बोला वो तारा नहीं ऐसा कोई अफलाक पर आसिया बोली हुआ तुमको मंजूरे नजर कत्ल तुम इसको न करना है मेरा नूरे नजर को तुम्हें फिरौन ने मूसा नबी को ले लिया ताया बुलवाओ यहां ये हुक्म उसने दे दिया बहुत सी ताया गई पर दूध वो पीते न थे बहन थी हाजिर मगर हालात कुछ अच्छे न थे बहन बोली जानती हूँ एक दाया को जनाब मैं बुला लाऊं उसे करचे इजाजत हो जनाब इज्न पाकर आ गई और अपनी माँ से ये कहा दूध भाई को पिलाओ हुक्म है फिर ऑन का मेरा भाई है महल में तुमको दाया कह दिया
लगे। दूध माँ का शौक से मूसा नबी पीने लगे। 30 दीनार एक महीने की ये उजरत तय हुई। 30 दीनार एक महीने की ये उजरत तय हुई। 30 दीनार एक महीने की ये उजरत तय हुई। दूर काफी अब बलाए फिक्र गम उनसे हुई। दूर काफी अब बलाए फिक्र गम उनसे हुई। दूर काफी अब बलाए फिक्र गम उनसे हुई। एक दिन फिरौन ने उनको उठाया गोद में। दाढ़ी उसकी आपने पकड़ी थी मूसा गोद में। एक तमाचा उसके मुंह पर आपने मारा। तभी जिल्लतें महसूस की फिरौन ये बोला। तभी ये वही बच्चा है इसको कत्ल करता हूँ अभी। आसिया बोली नहीं रहने तो झूका तू अभी। ऐसी खसलत तो हर एक बच्चे में होती है जनाब। आजमाने के लिए कुछ और हो हर बेजना। दश्त में एक लाल भर कर इस जगह लाया वजीर। दूसरे में आग थी फिर ऑन से बोला वजीर। हाथ बच्चा आग में डाले तो वो बच्चा नहीं। लाल छूले तो वही बच्चा है मैं झूठा नहीं। लाल पर जब हाथ पहुंचा आपका जिब्रील ने। हाथ उनका आग पर फिर रख दिया जिब्रील ने। अपने मुंह में रख लिया मूसा ने अंगारा। तभी अपने मुंह में रख लिया मूसा ने अंगारा। तभी अपने मुंह में रख लिया मूसा ने अंगारा। तभी जल गई उनकी ज़बां सबको यकीन आया। तभी जल गई उनकी ज़बां सबको यकीन आया। तभी जल गई उनकी ज़बां सबको यकीन आया। रहे मूसा महल में शान से। फिर मदीन और मिस्र को हिजरत की कुछ अरमान से। वाकया मूसा की पैदाइश का है लिखा फकत। जो के है तफसील से ये जिक्र मूसा का फकत। किस तरह तबलीग की और किस तरह शादी हुई। हजरत मूसा नबी की खाना आबादी हुई। मोजिज़े मूसा से क्या क्या दोस्त तो जाहिर हुए। कौन सी राहों से गुजरे किस जगह हाजिर हुए। किस तरह शर्फे कलाम अल्लाह ने बख्शा उन्हें। फिर दोबारा किस तरह फिरौन ने देखा उन्हें। एक तजल्ली से खुदा की पारा पारा हो गया। किस तरह से तूर जलकर खाक सारा हो गया। जिंदगी बाकी रही तो कर दिखाएंगे कभी। दास्तां मूसा नबी की फिर सुनाएंगे कभी। कुछ भी अल्लाह पाक से अनवार पोशीदा नहीं। कुछ भी अल्लाह पाक से अनवार पोशीदा नहीं।
कुछ भी अल्लाह पाक से अनवार पोशीदा नहीं, वो निराली जात है कोई शरीक उसका नहीं। वो निराली जात है कोई शरीक उसका नहीं, वो निराली जात है कोई शरीक उसका नहीं, वो निराली जात है कोई शरीक उसका नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हजरात, मैं आपके सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में दो और वाक़े इससे पहले पेश कर चुका हूँ, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब लीजिए, ये भी मैंने ऐलान किया था वॉल्यूम 2 में कि मैं जल्द आपके सामने दास्तान मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरा हिस्सा पेश करूँगा। तो आइए, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम से लिखा हुआ, राजू खान के म्यूजिक डायरेक्शन में, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ ये वाकया, जिसको हम दास्तान मूसा अलैहिस्सलाम वॉल्यूम 3 का उनवान दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक सामरी और गौशाला यानी गाय के बछड़े का वाकया आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सामईन, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम से जब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमें अपने अल्लाह को दिखाइए, तो मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पर जाया ही करते थे अल्लाह से बातें करने के लिए। वो 70 परहेजगार मुत्तकी साहेब नज़र लोगों को लेकर जब कोहे तूर पहाड़ पर पहुँचे, तो फिर किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे बच जाते हैं, और जो 70 बशर होते हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से किस तरह से वो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जिंदा किए जाते हैं, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे ने जो एक बछड़ा बनाया था, जिसको वो खाक थोड़ी सी खिलाकर बनाया था, लोग उसकी पूजा करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से ये कहा, तो फिर आगे क्या हुआ, सामरी और उस गौशाला का अंजाम, ये आप इस वाकये में सुने। मुलाहिज़ा कीजिए, दास्तान मूसा अलैहिस्सलाम तीसरा हिस्सा, और ये पेशकश शबनम म्यूजिक एंड डीजे जुनेजा की है। तो लीजिए, शबनम म्यूजिक की बेमिसाल पेशकश आपके सामने पेश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। जीना था हराम, अंधा होकर मांगता फिरता था लोगों से तो आम। शुक्रे रब लाए बजा, अब रे मसरत छा गया, आपके हाथों में मुल्के मिस्र पूरा आ गया।
जगह बीवी को अपनी छोड़कर आए थे वो। मालो दौलत भेड़ो बकरी कुछ नहीं लाए थे वो। हजरत मूसा गए बीवी सफूरा शाद थी, भेड़ बकरी दूनी होकर उस जगह आबाद थी। बीवी बच्चे मालो दौलत सबको लेकर आ गए, वालिदा की खिदमत आली में घर पर आ गए। मिस्र में रहने लगे उम्मत का रहता था ख्याल, हक से जो वादा किया था उसका फिर आया ख्याल। तूर पर मूसा गए हुक्मे खुदा के वास्ते, रब ने बुलवाया था मूसा को दुआ के वास्ते। रब ने बुलवाया था मूसा को दुआ के वास्ते, रब ने बुलवाया था मूसा को दुआ के वास्ते। जन्नती देकर फरिश्तों ने कहा, बैठ कर इस पर करो रब से दुआ उनसे कहा। जूतियां अपनी उतारी बैठे कुर्सी पर जनाब, और दुआ करने लगे वो दूर पर रह कर जनाब। 30 दिन अब रोजे रखो हुक्म रब उनको हुआ, तुमको मैं तौरात दूंगा मुजदए फरहत मिला। जिससे रहा पाए सब मेरी तरफ फलते खुदा, और शरीयत सीख ले और जान ले हर रास्ता। 30 दिन रोजों को रखा आ गए मूसा नबी, आके अपनी कौम से कहने लगे मूसा नबी। रब मुझे तौरात देगा ताके समझाऊं तुम्हें, है शरीयत चीज क्या लोगों में बतलाऊं तुम्हें। तुम हिदायत पाओगे बोले के हम बेजार, अपनी आंखों से तो हम तैयार हैं। देख लेंगे अपनी आंखों से तो हम तैयार हैं, देख लेंगे अपनी आंखों से तो हम तैयार हैं। ये कहा मूसा ने चलिए साथ थोड़ी दूर पर, मैं दिखाऊंगा तुम्हें तौरात को है दूर पर। तब 69 आदमी सब आलिमों स्वाले गए, बातहारत बाद में यूं शे गए 70 हुए। पेड़ से पत्ता लिया मूसा ने अपने लिए, जब जब आया रब ने ये फरमान जारी कर दिए। रोजा रखने को कहा था क्योंकि अफ्तार है, अर्ज की मूसा ने या रब मुंह मेरा बूदार है। 30 रोजे मैंने रखे मुंह से बू आती रही, इसलिए पत्ता चबाया जिससे वो
रखो दस रोजे कहा अल्लाह ने जो रख पाओगे लौट कर आओगे जब तौरात लेकर जाओगे। आदमी जो साथ थे वो उनको लेकर आ गए, रखे दस रोजे खुशी से आप हद पर आ गए। हो गए 40 रोजे तूर पर मूसा गए, हो गए 40 रोजे तूर पर मूसा गए, हो गए 40 रोजे तूर पर मूसा गए। जो थे 70 आदमी वो साथ उनके आ गए, जो थे 70 आदमी वो साथ उनके आ गए, चाहे मिले तुमको किताब। जाहिर हम देखें खुदा को हम तो ईमान लाएंगे, फिर खुशी के साथ कोहे तूर से घर जाएंगे। बोले मूसा ये तो मुमकिन है नहीं, जिद कर गए, एक बिजली आसमां से गिर पड़ी सब मर गए। की दुआ मूसा ने तो रब ने अता की जिंदगी, हो गए जिंदा दोबारा सब मिली थी जिंदगी। छोड़ कर उनको वहीं आगे गए मूसा नबी, रब से कुछ कलमात फिर सुनने लगे मूसा नबी। कलमे सुनकर आ गए इश्क के फिर ज़ौक में, अर्ज़ की खल्लाक़े आलम से निहायत शौक में। मुझको अपना तू करा दीदार, हसरत है मेरी तो फरिश्तों ने कहा बेजा ये चाहत है तेरी। छोड़ी ये सब क्यों तमा रखते हो तुम इसकी जना, सुन लिया तूने कलामे रब ये है काफी जनाब, सुन लिया तूने कलामे रब ये है काफी जनाब, सुन लिया तूने कलामे रब ये है काफी जनाब। देखिए मूसा जमी को जिस घड़ी पहुंची नजर, खल्क़े रब तहत सरा में थी जो सब आई नजर। ये सभी मखलूक है तेरी ये मूसा ने कहा, ये तमन्ना है मेरी अपना मुझे जलवा दिखा। हुक्म आया आसमां की सिमत सर अपना देख सुए आसुमा, मूसा ये कहना है मेरा। आपने देखा तभी पहुंची फलक पर जब नजर, साकिना ने आसुमा को देखती थी अब नजर। बोले मूसा ये भी है मखलूक, ये कहता हूं मैं तुझको देखूं या इलाही अब यही चाहता हूं मैं। हर तरफ उनसे फरिश्तों ने कहा माने नहीं, बस यही कहते रहे हालात पहचाने नहीं। जोश पर फिर यूं खुदाए पाक की कुदरत हुई, एक तजल्ली उनको दिखलाई तो ये
जोश उनका ढल गया, हो गए बेहोश मूसा तूर सारा जल गया, हो गए बेहोश मूसा तूर सारा जल गया, हो गए बेहोश मूसा तूर सारा जल गया। होश जब आया तो लाता हूँ तौबा करता हूँ या किबरिया, फिर जनाबे हजरते मूसा से ये रब ने कहा, शुक्र कर उस पर तुझे जो कुछ किया हमने अता, जन्नती लोहे जमरुत लाए जिबरीले अमी, तख्तियां खिदमत में लेकर आए जिबरीले अमी, उन पे कुदरत के कलम ने था लिखा तौरात को, हजरत मूसा ने ऐसे पालिया तौरात को, आ गए तौरात लेकर फिर तो मूसा उस जगह, आपने छोड़े थे 70 आदमी थे जिस जगह, दूर के हमराह जलकर पारा पारा गए, की दुआ मूसा ने वो जिंदा दोबारा हो गए 40 दिन यूं ही वो लेकर आदमी, मिस्र में आए थे उनके 70 आदमी, सामरी था भांजा मूसा का जरगर था अजीम, उसने एक बछड़ा बनाया जल्द सोने का अजीम, उसने एक बछड़ा बनाया जल्द सोने का अजीम, उसने एक बछड़ा बनाया जल्द सोने का अजीम। जो था अरसा तूर का ये काम उसमें सब किया, कौम को बहका दिया करना था कल जो अब किया, खाक फिर बछड़े के मुंह में डाल दी जो पाक थी, उसको गोयाई खुदाए पाक ने फिर बख्श दी, बोलता था उसका बछड़ा बातें सुनकर कौम की, पूजा उसकी मिस्र में फिर शान से होने लगी, सजदा करते थे उसे और उसको कहते थे खुदा, बोलता भी है बिला शक ये हमारा है खुदा, ऐसे गौशाला को पूजा कौम मूसा ने बहुत, राह हक से फिर गए थे लोग बदसन थे बहुत, अर्ज की मूसा ने रब से या खुदा ये क्या हुआ, तूर पर मैं क्या गया या रब इधर ऐसा हुआ, रब ने फरमाया के ये हारून को सौंपे थे क्यों, छोड़ा था तुमने तो मुझे भूले थे क्यों, हजरत मूसा ने फिर हारून से पूछा कहो, हजरत मूसा ने फिर हारून से पूछा कहो, हजरत मूसा ने फिर हारून से पूछा कहो, किसने गौशाला बनाया हाल सब उसका कहो, किसने गौशाला बनाया हाल सब उसका कहो, किसने गौशाला बनाया हाल सब उसका कहो।
किस लिए, कौम में बछड़ा बनाकर फितना डाला किस लिए। सामुरी बोला कि मेरे दिल ने जो चाहा किया, खाक थी एक पाक मेरे पास तो ऐसा किया। कौम में तबलीग फिर करते रहे मूसा नबी, उनको समझाते हुए फिरते रहे मूसा नबी। ये कहा तौरात हमने लाके दी पढ़ते रहो, हुक्म रब लाओ बजा अल्लाह से डरते रहो। गर अमल उस पर करोगे राजी हो जाएगा रब, बाग जन्नत की बहारें तुमको दिखलाएगा रब। छोड़ दो तुम पूजना गौशाला, बद ये काम है वही माबूद सबका जिसका अल्लाह नाम है। बाज ने तौबा की और ईमान ले आए तभी, बाज ने तौबा की और ईमान ले आए तभी, बाज ने तौबा की और ईमान ले आए तभी। बाज ने माना नहीं खुद पर सितम ढाए तभी, बाज ने माना नहीं खुद पर सितम ढाए तभी, बाज ने माना नहीं खुद पर सितम ढाए तभी। इल्तिजा की हजरत मूसा ने तो आया जवाब, तोड़ कर वो डाल दो दरिया में था रब का जवाब। हजरत जिब्रील ने आकर बताया आपको, बछड़ा पत्थर से करो टुकड़े सिखाया आपको। आपने बछड़े को फिर पत्थर से टुकड़े कर दिया, उसका चूरा जाके दरिया के हवाले कर दिया। पूजने वाले थे जो दरिया पे पहुंचे जल्द तर, पी लिया पानी मोहब्बत में उसी की थे निडर। पीते ही पानी से चेहरा हुआ फिर सर बसर, मर गए सब काफिरों मुशरिक थे हकदारे सफर। आयते तौरात को पढ़ने लगे थे लोग, अब खिदमत मूसा में भी आने लगे थे लोग। अब आप समझाते थे सबको दीन बढ़ता ही गया, शजर दीने हजरते मूसा था फलता ही गया। फिर खुदा ने चाह के मूसा जमाना छोड़ कर, फिर खुदा ने चाह के मूसा जमाना छोड़ कर, फिर खुदा ने चाह के मूसा जमाना छोड़ कर, मेरी खिदमत में चले आए वो दुनिया छोड़ कर। मेरी खिदमत में चले आए वो दुनिया छोड़ कर, मेरी खिदमत में चले आए वो दुनिया छोड़ कर। हुक्म इज़राइल को बख्शा वो फौरन आ गए, बात की मूसा के तेवर देख के घबरा गए। जब कहा चलिए तुम्हारा एक तमाचा जोर से, आंख निकली मौत की बाहर वो देखी गौर से। बारगाहे रब में आकर मौत ने ये अर्ज की, किस जगह भेजा मुझे तो आंख अच्छी हो गई। रब न
आइए फौरन अभी। आके इज़राइल बोले सुनिए ए मूसा नबी, हाथ रखो जानवर पे बाल जितने आ गए, साल इतने ही यहां रहने को फिर मिल जाएंगे। बोले फिर क्या अर्ज की, जाना पड़ेगा एक दिन। ये कहा मूसा ने घर जाना है तो है नेक दिन। मैं अभी चलता हूं कहकर याद हक में खो गए, छोड़कर दुनिया तभी मूसा रवाना हो गए। लब पे था अनवार अब तक जिक्र मूसा का तमाम, लब पे था अनवार अब तक जिक्र मूसा का तमाम, लब पे था अनवार अब तक जिक्र मूसा का तमाम। तीन हिस्सों में लिखा है हमने ये किस्सा तमाम, तीन हिस्सों में लिखा है हमने ये किस्सा तमाम, तीन हिस्सों में लिखा है हमने ये किस्सा तमाम, तीन हिस्सों में लिखा है हमने ये किस्सा तमाम। सामीन हजरात, शबनम म्यूजिक और एनडी जे जुनेजा पेश कर रहे हैं एक बहुत ही इबरत खेज वाकया। बहुत दिन से सामीन की मुझसे फरमाइश थी कि आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाइए। लीजिए नाजरीन, आज आपकी वो ख्वाहिश भी मैं पूरी कर रहा हूं। आपके पेश नजर ये वाकया लेकर हाजिर हुआ हूं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये कलाम, जिसका म्यूजिक तरतीब दिया है राजू खान ने, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत जो इगलामबाजी में मुब्तला हो गई थी, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत को अपने कहर से बर्बाद किया और उन लोगों ने ये कहर अल्लाह तबारक व तआला का अपनी आंखों से देखा। लीजिए सामईन, ये पूरा वाकया आप सुनिए, बहुत अच्छा वाकया इस वक्त आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाहजा कीजिएगा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ये वाकया। बहुत से अनवार हैं आए नबी, बहुत से अनवार हैं आए नबी, बहुत से अनवार हैं आए नबी, लूत पैगंबर भी है रब के नबी, लूत पैगंबर भी है रब के नबी, बहुत से अनवार हैं आए नबी, बहुत से अनवार हैं आए नबी, बहुत से अनवार हैं आए नबी, लूत पैगंबर भी है रब के नबी, लूत पैगंबर भी है रब के नबी, भतीजे आप ही इब्राहिम के थे जो आजर बाप इब्राहिम के, बेटे आजर ही के हारान थे, बाप थे वो लूत के बाशान थे, दौरे बचपन था जनाबे लूत का, बाप इनका इस जहां से चल बसा, जब अच्छा
अचानक बाप का साया उठा, आ गई उन पर यतीमी, क्या हुआ? नाला कश होकर समा खोते रहे, याद करके बाप को रोते रहे। देखा इस हालत में इब्राहीम ने, ये किया चाहत में इब्राहीम ने। अपने घर लाए निहायत शौक से, और उनकी परवरिश की शौक से। जबकि इब्राहीम को पकड़ा गया, नार में नमरूद की डाला गया। ये तमाशा देखता था हर बशर, हाँ लबे आतिश खड़ा था हर बशर। रख के एक आले में फेंका आपको, लूत ने फूलों में देखा आपको। आप पर ईमान वो लाए तभी, आप पर ईमान वो लाए तभी, आप पर ईमान वो लाए तभी। लौट के घर बा खुशी आए तभी, लौट के घर बा खुशी आए तभी, लौट के घर बा खुशी आए तभी। फिर चचा के साथ में रहते रहे, राह तबलीगी में गम सहते रहे। आपका अब वो जमाना आ गया, जो जवानी का है बादल छा गया। इस तरह से लूत पर आया शबाब, था बड़ा बेहतर बड़ा अच्छा शबाब। हजरत इब्राहीम खुश थे बेपना, उनसियत रखते थे उनसे बेपना। लूत अल्लाह के नबी थे बाहया, हर किसी से आप करते थे वफा। देख कर हजरत का चेहरा चांद सा, पेश आते लोग उल्फत से सदा। बेइजाजत वो कहीं जाते न थे, काम करने में वो शर्माते न थे। कौम थी जो हजरत इब्राहीम की, आप पर वो जुल्म ढाने में लगी। उनको हिजरत की इजाजत रब ने दी, लेके अपनी आल को तू जा अभी। हजरत इब्राहीम हिजरत कर गए, लूत भी हमरा ये जहमत कर गए। जाके शहरिस्तान से पहले रुके, जाके शहर थे सफर में गम के मारे थे रुके, थे सफर में गम के मारे थे रुके, थे सफर में गम के मारे थे रुके। कुछ लोगों शहरिस्तान लूत, हुक्म रब से था ये काशाना ने लूत। तासुदूमिक शहर वो मफूल था, बस इमारत में ही
फेल बद किरदार थे, उनको गैरत थी नहीं अशरार थे, काम वो करते थे जो पहले न था, उनको मतलब कोई औरत से न था, आदमी से आदमी करता जिना, छू रहा था अर्श को उनका जिना, औरतें थी उनको कम छूते थे वो, उनसे वासिल भूल से होते थे वो, उनको इगलामी पसंद थी ख्वार थे, काम ये करते थे वो अय्यार थे, देखते गर खूबरू लड़का कोई, रास्ता ना रोकता उनका कोई, उससे गुलामी वो करते शान से, कोई भी डरता न था रहमान से, औरतें आपस में करती मस्तियां, सोबतें उनके लिए थी मस्तियां, रहजनी करना ही उनका काम था, रहजनी करना ही उनका काम था, रहजनी करना ही उनका काम था, ना दवाओं को कहां आराम था, फिर देखते थे राह में, तो वो बस जाता था उनकी चाह में, लूट लेते थे उसे मक्कार वो, खून बहा देते कभी गद्दार वो, हद से आगे जुल्म उनका हो गया, गौहरे नायाबे इस मत खो गया, रब ने उनको इस शकादत के लिए लूत को भेजा हिदायत के लिए, इस शहर में लूत फिर रहने लगे, सख्तियां इस कौम की सहने लगे, शादी की तो घर में आई लड़कियां, उन पे फिर ईमान लाई लड़कियां, काफिरा बीवी थी उनकी वायला, कौम का वो साथ देती वायला, लूत की वो बात को सुनती न थी, उन पे वो ईमान भी रखती न थी, आप रहते थे इबादत में सदा, वक्त कटता था रियाजत में सदा, कौम को समझाते वो सुनते न थे, दोस्त और अहबाब भी उनके न थे, आप कहते थे अल्लाह से, आप कहते थे डरो अल्लाह से, आप कहते थे डरो अल्लाह से, मान लो तौबा करो अल्लाह से, मान लो तौबा करो अल्लाह से, मान लो तौबा करो अल्लाह से, सबका मालिक है खुदा ये जान लो, मैं हूं अल्लाह का नबी पहचान।
मीनाकारी से रगबत छोड़ दो, गर नहीं माने तो आएगा अजाब, तुमको एक दिन खाएगा रब का अजाब। आपकी तबलीग से माने नहीं, क्या खुदा है या नबी जाने नहीं। आ गया मौला की कुदरत को जलाल, दो फरिश्ते भेजे फौरन बा कमाल, उनसे ये कहता था रब्बे जुल जलाल, जाके उस बस्ती का कर दो खस्ता हाल। सह दफा जब देख लो करता कसूर, तब ही बतलाना उन्हें उनका कसूर। हुक्म रब सुनकर फरिश्ते आ गए, शक्ल इंसानी में चेहरा था गए। पहले आए वो खलीलुल्लाह के घर, हजरत इब्राहिम नबी अल्लाह के घर। दी बिशारत आपको इसहाक की, थी हवा ये आपके अखलाक की। खूब खातिर की बिठाया आपने, खूब खातिर की बिठाया आपने, खूब खातिर की बिठाया आपने। लूत का सब हाल पाया आपने, लूत का सब हाल पाया आपने, लूत का सब हाल पाया आपने। फिर फरिश्तों ने कहा जाते हैं हम, और बचा कर लूत को लाते हैं हम। रब का है फरमान दम ना लेंगे हम, बस्ती वो जेरो जबर कर देंगे हम। बोले इब्राहिम मैं भी जाऊंगा, देख कर सब हाल वापस आऊंगा। कर दिया इनकार आगे बढ़ गए वो फरिश्ते, फिर हवा पर चढ़ गए। जाके बस्ती में वो दाखिल हो गए, अब इरादे उनके कामिल हो गए। खूबसूरत थे निराली शक्ल थी, मिसले महाताब उनकी शक्ल थी। फिर किया घर लूत के जाकर सलाम, बेटियों ने लूत की लेकर सलाम। कौन हो पूछा कहा मेहमान है, हम शहर की राह से अनजान हैं। कोई ऐसा है खिलाएगा हमें, मेहमा जो अपना बनाएगा हमें। हैं हमारे बाप गम खाते हैं वो, हैं इबादत में अभी आते हैं वो। लूत आए देख के हैरान थे, लूत आए देख के हैरान थे, लूत आए देख के हैरान थे। ले गए अंदर वो जो मेहमान थे, ले गए अंदर वो जो मेहमान थे, ले गए अंदर वो जो मेहमान थे। देख कर वो
शक्लें बीवी आपकी, लेके घोड़ा जल्द बस्ती में गई। बात जाकर कौम से उसने कही, आ गई वो कौम चढ़कर घर सभी। लूत से बोले उन्हें बाहर करो, है हमें ख्वाहिश करम हम पर करो। लूत बोले बेटियां ले जाओ तुम, शादी कर लो खौफे रब्बी खाओ तुम। वो ये बोले बेटियां बेकार हैं, हमको शहजादे ही बस दरकार हैं। लूत में लड़ने की हिम्मत थी नहीं, अब तो समझाने की ताकत थी नहीं। तीन गलती देख के जिब्रील ने मारा, पर फिर जोर से जिब्रील ने। नाक कान और आंख यकसा हो गए, देख कर जालिम परेशान हो गए। बोले ईमान लाएंगे अच्छा करो, जैसे पहले थे हमें वैसा करो। मारा पर जिब्रील ने अच्छे हुए, उनको जादूगर कहा लड़ते हुए। एक दिन का जाते कह गए कल आएंगे, तुमसे ये शहजादे लेकर जाएंगे। ये कहा जिब्रील ने जहमत करो, लूत लेकर बेटियां हिजरत करो। कल को इस बस्ती में आएगा अजाब, कहर वो हर जा मचाएगा अजाब। लूत बोले किस तरह जाऊंगा मैं, पहरा है कैसे निकल पाऊंगा मैं। हम फरिश्ते हैं कहा जिब्रील ने, काम ये फिर कर दिया जिब्रील ने। रात जब आई तो सारे सो गए, बेटियां लेकर रवाना हो गए। साथ थे जिब्रील उठकर आ गए, लूत फिर बस्ती से बाहर आ गए। बीवी को लाए नहीं थी काफिरा, रह गई सोती की सोती काफिरा। लूत घर पे आए इब्राहीम के, बेटियां थी साथ में रहने लगे। हाल सब बतलाया इब्राहीम से, सुन के इब्राहीम ने सजदे किए। आ गए जिब्रील वापस उस जगह, बेखबर सोती थी बीवी जिस जगह, बेखबर सोती थी बीवी जिस जगह, बेखबर सोती थी बीवी जिस जगह।
पहले सलजला आया जो उनके पर हिले। आग के पत्थर बरसते थे वहां, साए को जालिम तरसते थे वहां। भागते फिरते थे जाते थे जिधर, आग के पत्थर वो पाते थे उधर। मिट गए सब वो पड़े थे खाक पर, हर जगह पर लाशें आती थी नजर। धरती पर घुटना किसी का सर लगा, लूत की बीवी को एक पत्थर लगा। लगते ही पत्थर वो पत्थर की बनी, ओ जो इबरत ना वो ऐसी बनी। जंग को फिर जिब्रील ने सर कर दिया, नीचे का हिस्सा वो ऊपर कर दिया। मिट गया नामो निशा इस शहर का, जायका चखा था रब के कहर का। उनकी बदआमालियों का था सिला, सरकशी का खूब पाया था सिला। काम अच्छे दोस्तों करते रहो, रब ताला से सदा डरते रहो। नेकियां होंगी तो इज्जत पाओगे, नेकियां होंगी तो इज्जत पाओगे, नेकियां होंगी तो इज्जत पाओगे। नार से अनवार राहत पाओगे, नार से अनवार राहत पाओगे, नार से अनवार राहत पाओगे, नार से अनवार राहत पाओगे। सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सामईन, बहुत दिन से ऑडियंस की ख्वाहिश कि मैं दास्तान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नाज़रीन के सामने पेश करूं, आज मैं ये वाकया लेकर हाजिर खिदमत हूं। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये कलाम राजू खान के म्यूजिक डायरेक्शन में चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। लीजिए साहब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ये वाकया बहुत दिलचस्प है। एक बार उनके पास मौत का फरिश्ता यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, और फिर दोनों में किस तरह से दोस्ती होती है, एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं, और फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से इदरीस अलैहिस्सलाम ने क्या क्या फरमाइशें की, और किस तरह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनके साथ दोजख का मंजर देखते हैं, फिर जन्नत में जाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो लीजिए सामईन, ये बहुत ही दिलचस्प वाकया लेकर मैं हाजिर हूँ। ये पेशकश है शबनम म्यूजिक एंड डीजे जुनेजा की। तो समाप्त कीजिएगा दास्तान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस का जिक्र करता हूँ जनाबे हजरत इदरीस का। इस तरह तारीख में अनवार है ये वाकया, इस तरह तारीख में अनवार है ये वाकया, इस तरह तारीख में अनवार है ये वाकया।
जनाबे हजरते इदरीस का जिक्र करता हूँ जनाबे हजरते इदरीस का जिक्र करता हूँ जनाबे हजरते इदरीस का पैगंबर का साया जब न दुनिया में रहा आके उनकी कौम में शैतान ने ऐसा किया नस्ल में उनके थे महलाइल वो जब मर गए कौम के अफराद थे जो फेल बदिए कर गए उनको शैतान ने उभारा बुत परस्ती में लगे पूजते थे मूर्ति को खुद मिजाजी में लगे रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया में चली ऐसी हवा बुत परस्ती हो गई फिर आम जब फैली हवा देख कर हालत जमाने की फजा शर्मा गई जोश पर कौनों मकान वाले की रहमत आ गई लोग इस पूजा परस्तिश में जो सारे खो गए हुक्म रब से हजरते इदरीस पैदा हो गए उनको भेजा रब ने इन सब की हिदायत के लिए वो करें तबलीग मिसमारे जहालत के लिए ताकि सब पहचान लें अपने खुदा की जात को ये जहां तस्लीम कर ले कि बुरिया की बात को हजरत इदरीस को भी मौजज़े बख्शे गए कौम की जानिब बनाकर वो नबी भेजे गए इश्के हक में दीन का फिर काम जारी कर दिया जारी कर दिया रब ने उनका हर तरह से कासे दिल भर दिया रब ने उनका हर तरह से कासे दिल भर दिया रब ने उनका हर तरह से कासे दिल भर दिया शादी की और औलाद भी पैदा हुई आप खुश थे इश्क हक में कट रही थी जिंदगी उनको ले जाते फरिश्ते आसमां पर रोज ही पेश रब पेशानी उनकी हर घड़ी रहती झुकी मोजिजों में उनके एक था मोजिजा इल्मे नुजूम वक्त से इदरीस के जारी हुआ इल्मे नुजूम जिक्र करते थे खुदा का पैरहन सीते थे वो और सिलाई की भी उजरत कुछ नहीं लेते थे वो काम से पाकर फरागत एक दिन बैठे थे आप अपने दरवाजे से लोगों को दुआ देते थे आप शामित शक्ल इंसानी बना कर आ गए थे मलकुल मौत वो हजरत के दर पर आ गए आप साए मुद्दहर थे वक्त अफ्तारी हुआ खाना हाजिर खुल्द का खिदमत में जब उनकी हुआ इस मुसाफिर से कहा आ जाओ खाना खाएंगे अफ्तारी तुमसे बात हम कर पाएंगे कर दिया इनकार उसने और वो तन्हा रहा
कदम पर वो इबादत ही वहां करता रहा। देख कर इदरीस उसको हालत हैरत में थे, देख कर इदरीस उसको हालत हैरत में थे, देख कर इदरीस उसको हालत हैरत में थे। ये मुसाफिर कौन है इस बात से दिक्कत में थे, ये मुसाफिर कौन है इस बात से दिक्कत में थे, ये मुसाफिर कौन है इस बात से दिक्कत में थे। इदरीस बोले साथ मेरे आइए, ताके देखूं रब की कुदरत के तमाशे आइए। आ गए जंगल में दोनों, खेत गेहूं का मिला, हर शजर पर गेहूं का जो खुशनुमा खोशा मिला। उनसे इज़राइल बोले तोड़ कर खाते हैं हम, ये कहा इदरीस ने हरगिज नहीं चाहते हैं हम। था हलाल अपने लिए खाना जो वो खाया नहीं, ये सरासर है हराम इस बात को समझा नहीं। रोजी ही जन्नत से मेरे वास्ते आता है वो, जो भी अफतारी से बचता है चला जाता है वो। क्या भरोसा है नहीं तुमको खुदा की जात पर, ये तो जायज ही नहीं, नजदीक ना जाएंगे हम। तोड़ कर गेहूं के खोशे को नहीं खाएंगे हम, कल हमें देना पड़े अल्लाह को इसका हिसाब। रोजे महशर अपने बंदों से वो जब लेगा हिसाब। बात करते करते दोनों सैर करते ही रहे, हजरत इदरीस रब से हर जगह डरते रहे। बाग एक अंगूर का आया नजर पेशाब वो, बाग एक अंगूर का आया नजर पेशाब वो, बाग एक अंगूर को उस बाग में आबाद वो, हो गए कुछ देर को उस बाग में आबाद वो, हो गए कुछ देर को उस बाग में आबाद वो। इरादा कर लिया, हजरत इदरीस से जब मुद्दा जाहिर किया, सुनते ही इदरीस पैगंबर ने ये उनसे कहा, है तसव्वुफ मिल्क पर बेशक मगर ये है हराम, है नहीं ज़ेबा ये बंदे को वो खा पी ले हराम। दूर रहना चाहिए हर एक बुरे अफ़वाल से, काम लेना चाहिए बस सब्र इस्तक़लाल से। बाग से निकले तभी और कर दिया जारी सफर, देखते जाते थे मंजर हो गया काफी सफर। चलते चलते राह में दोनों को एक बकरी मिली, वो बेगानी खबर ना उसके मालिक को मिली। खाना चाहा उसको इज़राइल ने आके
कहा है ये बेगानी सिबाह करना है ममनू जान लो दूर तुम इससे रहो ये बात मेरी मान लो फिर ये पूछा कौन हो लंबे तुम्हारे हाथ हैं तीन दिन से ऐ मुसाफिर आप मेरे साथ हैं उस मुसाफिर ने कहा ये हुक्म की तामील है उस मुसाफिर ने कहा ये हुक्म की तामील है उस मुसाफिर ने कहा ये हुक्म की तामील है मौत का हूँ मैं फरिश्ता नाम इज़राइल है फिर कब्ज करते हो तुम ही बोले इज़राइल हाँ मैं हूँ वही कुदसी जनाब जान लेता हूँ मैं बस मखलूक रब्बी की जनाब बोले फिर इदरीस शायद ये इरादा लाए हो रूह मेरी कब्ज करने तुम यहाँ पे आए हो फिर ये इज़राइल बोले इसलिए हजरत नहीं दिल लगी के वास्ते आया हूँ कुछ रगबत नहीं तीन दिन से साथ हो इदरीस ने उनसे कहा इन दिनों में क्या किसी की रूह निकाली है कहा जान लेना बोले इज़राइल ऐसा है सुनो जैसे दोनों हाथ में रोटी का टुकड़ा है सुनो जैसे ही आता है हजरत हुक्म रब्बे जुल जलाल हाथ में अपना बढ़ाकर रूह लेता हूँ निकाल रूह मेरी कब्ज कर इदरी सुबोले हो कमाल चाकनी का जीते जी चकू मजा में बेमिसाल फिर फरिश्ते ने कहा क्या हुक्म रब्बी के बिना कब्ज कर सकता नहीं मैं उसकी मर्जी के बिना बारगाहे हक में इज़राइल ने मांगी दुआ बारगाहे हक में इज़राइल ने मांगी दुआ बारगाहे हक में इज़राइल ने मांगी दुआ मिल गई उनको इजाजत हो गई पूरी दुआ लम्हे बाद अल्लाह से दुआ की आपने हो गए इदरीस जिंदा सब नजारा कर लिया गोद में अपनी मलकुल मौत को फिर भर लिया दोनों के दरमियान फिर भाई का रिश्ता हो गया मर के जिंदा हो गए ये एक तमाशा हो गया उनसे इज़राइल बोले बात है इतनी कहो चाकनी की मेरे भाई कैसे तलखी थी कहो ये कहा इदरीस ने जैसे हो जिंदा जानवर खाल खींची जा
जाए उसकी फिर हो मुर्दा जानवर। देखने का शौक है तो जख कहा इदरीस ने, मुझको लेके चल इरादा कर लिया इदरीस ने। लेके इजराइल उनको पापे तो जख पर गए, फिर तबक सातों जहन्नम के उन्हें दिखला दिए। देख ली तो जख तो दिल में शौक ये पैदा हुए, सोचा हो जाएगा सब आसान है इसके लिए। बोले फिर इदरीस अब जन्नत भी दिखलाओ हमें, देख लूं जन्नत ये दिल चाहता है ले जाओ हमें। हुक्मे रब था सब उन्हें दिखलाया इजराइल ने, हुक्मे रब था सब उन्हें दिखलाया इजराइल ने, हुक्मे रब था सब उन्हें दिखलाया इजराइल ने। बाबे जन्नत पर कभी पहुंचाया इजराइल ने, बाबे जन्नत पर कभी पहुंचाया इजराइल ने, बाबे जन्नत पर कभी पहुंचाया इजराइल ने। जन्नत के दर पर ये कहा इदरीस ने, ऐ मलकुल मौत सब कुछ पा लिया इदरीस ने। चख चुका मैं जाकनी की तलखियां भाई मेरे, और दोजख की भी देखी सख्तियां भाई मेरे। प्यास की शिद्दत से सूखा है गला जाऊं जनाब, जाके जन्नत में जरा पानी में पी आऊं जनाब। वादा कर लो बोले इजराइल जन्नत जाओगे, पानी पी कर जल्दी ही जन्नत से बाहर आओगे। करके वादा जूतियां अपनी उतारियां अपने, शजरे तूबा के वो नीचे जूती रख दी आपने। जाके फिर जन्नत को देखा दिल बड़ा मसरूर था, देख के गुलजारे जन्नत फिक्रे दुनिया दूर था। वादा आने का किया था आ गए बाहर जनाब, लेके अपनी जूतियां पलटे गए अंदर जनाब। दी उन्हें आवाज इजराइल ने और ये कहा, जल्द आए आप बाहर देर करना है बुरा। बोले वो दीदार मैंने कर लिया है नार का, मौत का भी जायका भाई मेरे मैं चख चुका है। ये फरमाने खुदा जन्नत में जो भी जाएगा, है ये फरमाने खुदा जन्नत में जो भी जाएगा, है ये फरमाने खुदा जन्नत में जो भी जाएगा, फिर कभी जन्नत से वो हरगिज न बाहर आएगा। फिर कभी जन्नत से वो हरगिज न बाहर आएगा, फिर कभी जन्नत से वो हरगिज न बाहर आएगा। ये कहा इदरीस ने बाहर नहीं आऊंगा मैं, लुत्फे जन्नत कैसे दुनिया में भला पाऊंगा मैं। सुन के बोले हजरत इजराइल सुन ए नेक नाम, अंबिया पे तब तलक इदरीस जन्नत है हराम। जब तलक दाखिल न हो जन्नत में वो बा
तराम जो के हैं महबूबे रब्बुल आलमी आली मकाम। आई एक आवाज कोई बुखल जन्नत में नहीं, जाओ उनको छोड़कर तुम खैर हुज्जत में नहीं। उनको छोड़ा हजरत इज़राइल वापस हो गए, हजरत इदरीस जन्नत की हवा में हो गए। बच्चे जो इदरीस के थे सुन के रोते थे बहुत, याद करके बाप को गमगीन होते थे बहुत। इस हिकायत से सबक ये हमने पाया है सुनो, दोनों आलम में निजामे रब ताला है सुनो। जो भी आया है यहाँ दुनिया से एक दिन जाएगा, मौत की लज्जत को एक ना एक दिन वो पाएगा। अंबिया हूँ या सहाबी या वली कोई भी हो, मौत है सबके लिए क्यों जुस्तजू दुनिया की हो। मालिको मौला से है अनबार हम डरते रहे, मालिको मौला से अनबार हम डरते रहे, मालिको मौला से अनबार हम डरते रहे। जिंदगी में मौत को भी याद हम करते रहे, जिंदगी में मौत को भी याद हम करते रहे, जिंदगी में मौत को भी याद हम करते रहे, जिंदगी में मौत को भी याद हम करते रहे। ख्वातीन हजरात एनडीजे जुनेजा और शबनम म्यूजिक पेश कर रहे हैं हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज में एक और हसीन वाकया। सामईन, हम शबनम म्यूजिक पर दास्ताने मूसा अलैहिस्सलाम आपके सामने वॉल्यूम 1 पेश कर चुके हैं, जिसने आपने सुना कि किस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में परवरिश पाई। 30 सालों तक आप उसके महल में रहे, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या हुआ और अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह से आपको नबूवत बख्शी और दो मोजज़े अता किए, जिसमें एक तो ये था कि आपके हाथ में जो छड़ी रहती थी जिसको असा कहते हैं, वो जब आप ज़मीन पर फेंकते थे तो उसका सांप बन जाया करता था, और दूसरा उनकी हथेली जिसको यदे बैजा कहते हैं वो चमकती थी। और यही दो मोजज़े अल्लाह तबारक व ताला ने मोजज़े जब अता किए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो इनसे किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों से अमान पाई। आप अल्लाह के पैगंबर हैं और बहुत सारे वाकयात आप से मंसूब हैं। मैं वॉल्यूम 1 सुना चुका हूँ, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और फरमाइश आई कि जल्द से जल्द दास्ताने मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा भी पेश किया जाए। तो आज मैं आपकी वो फरमाइश भी पूरी कर रहा हूँ, दास्ताने मूसा का दूसरा हिस्सा लीजिए, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बख़ैर रही तो जहाँ तक आप इस वाक़े में सुन सकते हैं वहाँ तक सुनिए। मूसा ने किस तरह से फिरौन को दरियाए नील में गर्क किया, वहाँ तक और उसके बाद का इंशाल्लाह हम तीसरे हिस्से में भी कोशिश करेंगे कि आपको सुनाएं। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक के फरायज अंजाम दिए हैं राजू खान ने। ये रिकॉर्डिंग हुई है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में, रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी ने, आवाज हाजी तस्नी मारिफ की है। मुलाहजा कीजिएगा ये बहुत ही हसीन वाकया दास्ताने मूसा अलैहिस्सलाम। दास्ता मूसा की सुनिए दूसरा हिस्सा है ये, दास्ता मूसा की सुनिए दूसरा हिस्सा है ये, दास्ता मूसा की सुनिए दूसरा हिस्सा है ये।
आगे अनवार यूं तारीख में लिखा है ये, आगे अनवार यूं तारीख में लिखा है ये। दास्तां मूसा की सुनिए दूसरा हिस्सा है ये, दास्तां मूसा की सुनिए दूसरा हिस्सा है ये, दास्तां मूसा की सुनिए दूसरा हिस्सा है ये। आगे अनवार यूं तारीख में लिखा है ये, आगे अनवार यूं तारीख में लिखा है ये, आगे अनवार यूं तारीख में लिखा है ये। तीस सालों तक रहे वो महल में फिरौन के, लोग सब कहते थे मूसा बेटे हैं फिरौन के। एक दिन मूसा नबी फिरते थे शहरे मिस्र में, एक जगह दो आदमी लड़ते थे शहरे मिस्र में। उनमें एक कब्ती खड़ा था दूसरा था सामुरी, देख कर मूसा पैगंबर को ये बोला सामुरी, जुल्म करता है अजियत मुझको देता है जनाब, मेरी सारी लकड़ियां ये छीन लेता है जनाब। आपने फरमाया कब्ती से तू इसको छोड़ दे, दे दे इसकी लकड़ियां और जिद ये अपनी तोड़ दे। वो न माना बात मूसा की तो देखा गौर से, आपने सीने पे उसके घूंसा मारा जोर से। इतना इस घूंसे की शिद्दत से वो कब्ती डर गया, गिर पड़ा कब्ती जमी पर और फौरन मर गया। सामुरी से ये कहा मूसा नबी ने भाग जा, वरना कब्ती तुझको ले जाएंगे इससे ये कहा। फिर कहा मूसा नबी ने बख्श दे मुझको खुदा, मार डाला मैंने कब्ती को हुई मुझसे खता। ये खबर फिरौन ने पाई वो गुर्राने लगा, ये खबर फिरौन ने पाई वो गुर्राने लगा, ये खबर फिरौन ने पाई वो गुर्राने लगा। लाओ कातिल को पकड़ कर जल्द चिल्लाने लगा, लाओ कातिल को पकड़ कर जल्द चिल्लाने लगा, लाओ कातिल को पकड़ कर जल्द चिल्लाने लगा। गया खामोश कातिल का पता पाया नहीं, कौन है कातिल पकड़ कर कोई भी लाया नहीं। दूसरे दिन राज मूसा का जो उस पर खुल गया, कत्ल मूसा ने किया कब्ती को सुनकर जल गया। जब हुआ मालूम मूसा को वो अपने घर गए, जुल्म से फिरौन के प्यारे पैगंबर डर गए। फिर दुआ मांगी खुदा से उसकी रहमत मिल गई, जाइए शहरे मदीन उनको इजाजत मिल गई। मिस्र से चलकर तभी मूसा गए शहरे मदीन,
एक कुआं जंगल में देखा आपने शहरे मदीन। वो कुआं था एक पत्थर से ढका, वजनी था वो, आदमी 40 हटाते थे उसे भारी था वो। थी वहां दो औरतें और उनकी सारी बकरियां, प्यास की शिद्दत से थी बेहाल उनकी बकरियां। ये कहा मूसा ने उनसे, किस लिए ठहरी यहां। बोली वो पानी पिलाने लाए हैं बकरी यहां। वजनी पत्थर है ढका, पानी पिलाए किस तरह। पाप हैं अपने ज़ईफ, हम उनको लाए किस तरह। वो हजर ज़ोरे नबूवत से हटाया आपने, वो हजर ज़ोरे नबूवत से हटाया आपने, वो हजर ज़ोरे नबूवत से हटाया आपने। बकरियों को उनके फिर पानी पिलाया आपने, बकरियों को पानी पिलाया आपने, बकरियों को उनके फिर पानी पिलाया आपने। एक शजर के नीचे बैठे हजरत मूसा नबी, चलते चलते थक गए थे हजरत मूसा नबी। औरतें जो थी वो उनके बाप थे हजरत शुएब, सुन के सारा वाकया कहने लगे हजरत शुएब। बेटी तू जा और बुलाकर उस जवां को जल्द ला, ताके मजदूरी दूं उसको मेहरुबां को जल्द ला। तो बड़ी बेटी सफूरा आ गई, उसने कहा चलिए बाबा ने बुलाया है ये मूसा से कहा। आगे आगे वो चली और पीछे पीछे ये चले, देखी उसकी पांव की पिंडली पर है ना आपने। आगे मैं चलता हूँ पीछे आओ ये कहने लगे, बोली तुम वाकिफ नहीं हो मेरे घर की राह से। आपने फरमाया भूलूं तो मुझे बतलाइए, जान कर ये नेक है बोली सफूरा आइए। फिर ये पूछा किस लिए तो आपने फरमा दिया, है गुनाह ये गैर महरम के बदन को देखना। राह बतलाती चली घर, चलते चलते आ गया घर में बैठे थे शुएबा, कर सलाम उनको किया। देख कर मूसा को वो मसरूर थे हजरत शुएब, देख कर मूसा को वो मसरूर थे हजरत शुएब, देख कर मूसा को वो मसरूर थे हजरत शुएब। हाल उनका जान के कहने लगे हजरत शुएब, हाल उनका जान के कहने लगे हजरत शुएब, हाल उनका जान के कहने लगे हजरत शुएब। माजरा सब मिस्र का फिरऔन कब्ती का कहा, कुछ अंदेशा मत करो शुएब ने ऐसा कहा।
कौम जालिम से ऐ मूसा तुमने पाई है निजात। ये कहा मूसा ने बेशक हमने पाई है निजात। फिर सफूरा ने कहा वालिद से ऐ प्यारे पिदर, इसको नौकर रख लो घर में काम है इससे पिदर। ये अमानतदार है और नेक है और बाखलूस, मैंने जाना गुफ्तगू से चाल से इसका खुलूस। बोले फिर हजरत शोएब इस उम्र का दस्तूर है, शादी मैं कर दूं तुम्हारी क्या तुम्हें मंजूर है। मैं बड़ी बेटी सफूरा तुमको देता हूँ जनाब, कर लो तुम मंजूर इसको मैं ये चाहता हूँ जनाब। है मेहर इसका चराओ 10 बरस तुम बकरियां, कर लिया मंजूर मूसा ने ये होकर शादुमा। मेरी मर्जी 10 बरस या 8 तक है मेहरबा, मैं इवज इस मेहर के हजरत चराऊं बकरियां। हो गया उनका निकाह प्यारी सफूरा शाद थी, आरजू की अंजुमन अब हर तरह आबाद थी। एक असा जिब्रील ने आदम को बख्शा था कभी, एक असा जिब्रील ने आदम को बख्शा था कभी, एक असा जिब्रील ने आदम को बख्शा था कभी, वो असा जन्नत कथा आदम ने पाया था कभी, वो असा जन्नत कथा आदम ने पाया था कभी, वो असा जन्नत कथा आदम ने पाया था कभी। विरसे में पहुंचा था वो शोएब के घर था असा, दे दिया शोएब ने मूसा को जन्नत का असा। 10 बरस बकरी चराई आपने शोएब की, साथ बीवी के वो खिदमत में रहे शोएब की। था सफूरा का महर ये हो गया जब के अदा, बाखुशी शोएब पैगंबर ने मूसा से कहा। सारी बकरी लौंडी बांधी लो जखीरा माल का, जिस तरफ जी चाहे जाओ लेके ऐ मूसा असा। ले लिया मालो मता हजरत सफूरा साथ थी, चल पड़े मूसा नबी जंगल में वो ठहरे कहीं। तेज आंधी आ गई छाया अंधेरा घर नहीं, आसुमा कर जा सफूरा उस घड़ी घबरा गई। पेट से थी दर्द जह आया परेशान हो गई, पानी बरसा खूब वो सर्दी से नाला हो गई। आग मूसा ने निकाली आग भी जलती न थी, दूर एक शोला नजर आया वहां मिलती न थी। आपने फरमाया बीवी से उधर जाता हूं मैं, आग है कुछ दूर वो लेकर अभी आता हूं मैं। जो नजर आता था शोला वो खुदा का नूर था, जो नजर आता था शोला वो खुदा का नूर था, जो नजर आता था शोला वो खुदा का नूर था।
था नूर रब्बुल आलमी के पास को ही दूर था नूर रब्बुल आलमी के पास को ही दूर था। उस तरफ मूसा गए तो एक शजर आया नजर सब्ज था सारा शजर था नूर उस पे जलवगर ये निदा आई उतारो जूतियां तुम जल्द तर पहन कर ये जूतियां आना ना मूसा तुम इधर अपनी नाले ने मुकद्दस को उतारा आपने पहुंचे कोहे तूर पर तो फिर ये देखा आपने उस शजर की टहनियों पर रख दिया अपना असा ताके सुलगे आग ले लूं वो नहीं सुलगा असा फिर कहा अल्लाह ने ये हाथ में क्या है पता बोले लाठी है मेरी तो फिर खुदा ने ये कहा डाल दे इसको जमी पर डाला जब अपना असा दौड़ता फिरता था हर सू सांप उसका बन गया आई फिर आवाज पकड़ो इसको पकड़ा आपने बन गया फिर से आसा हाथों में देखा आपने हाथ डालो तुम गरीबा में ये हुक्मे रब हुआ हाथ जब डाला जो होना था अभी वो सब हुआ हो गई रोशन हथेली है यदे बैजा यही जिससे होता था जहां रोशन है वो जलवा यही मौजज़े मूसा को तो रब ने दिए थे बाकमाल मौजज़े मूसा को तो रब ने दिए थे बाकमाल मौजज़े मूसा को तो रब ने दिए थे बाकमाल एक असा था एक यदे बैजा न थी उनकी मिसाल एक असा था एक यदे बैजा न थी उनकी मिसाल एक असा था एक यदे बैजा न थी उनकी मिसाल हजरत मूसा को पैगंबर किया अल्लाह ने जो भी मांगा वो सभी उनको दिया अल्लाह ने हुक्म आया मिस्र जाओ वास्ते फिरौन के तीन की दावत दोस्त को घर में ही मलून के अर्ज किया रब मेरे बच्चे हैं जंगल में पड़े मैं भरोसे किसके छोड़ूं तो कहा अल्लाह ने हमने हूरे भेज दी हैं उनकी खिदमत के लिए बकरियां तेरी चराएंगे वहां के भेड़िए मुजदए पैगंबरी सुनकर वहां से आ गए तुम्हें बीवी की भी फिर एक बेटे आ गए हाल को है तूर का बीवी से बतलाया सभी मिस्र आए अपने भाई को भी समझाया सभी नाम था हारून उनका वो नबी अल्लाह थे साथ में हारून के मूसा कलीमुल्लाह थे
दरबार में फिर आन के वो बेखतर। दीन की दावत दी मूसा ने उसे वो करने डर। ये खुदाई का जो दावा है तेरा बेसूद है, राह हक ले सबका अल्लाह पाक ही माबूद है। ये कहा फिर मौजज़े दिखलाइए, तुमको मानूंगा नबी कुछ मौजज़े दिखलाइए, तुमको मानूंगा नबी कुछ मौजज़े दिखलाइए। जब बन गया वो अजदहा, वो बढ़ा फिर ऑन की जानिब तो जालिम डर गया। पकड़ा मूसा ने उसे बोला के मोहलत दे जरा, सोच कर दे दूंगा मैं मूसा जवाब इस बात का। कर लिया ये मशवरा तन्हाई में हामान से, था वजीर इसका मदद कुछ मिल गई शैतान से। जादूगर थे जो बुलाया सबको एक ऐलान से, एक बड़े मैदान में मरदूद आया शान से। रस्सियां और लाठियां जादूगरों ने फेंक दी, बन गई सब सांप वो जब काहिनों ने फेंक दी। छोड़ा मूसा ने असा वो अजदहा बनकर, तभी खा गया उन सबको वो एक आन में तनकर। तभी भाग निकला उस घड़ी फिर आन मैदान छोड़कर। जादूगर जितने थे कदमों पर गिरे सब दौड़ कर। कलमा मूसा का पढ़ा फिर आन से गाफिल हुए, ये खुदा हरगिज नहीं इस बात में कामिल हुए। अजदहा वो खा गया फिर आन का सारा गुरूर, देखते ही देखते सब मिट गया उसका गुरूर। थे बहुत इंसान अब भी साधु सुमल उनके, थे बहुत इंसान अब भी साधु सुमल उनके, थे बहुत इंसान अब भी साधु सुमल उनके। हुक्म लाते थे बजा कम जर्फ सब फिर उनके, हुक्म लाते बजा कम जर्फ सब फिर आन के, हुक्म लाते थे बजा कम जर्फ सब फिर आन के। बस यूं ही 40 बरस तबलीग वो करते रहे, कोई ना ईमान लाया रब से वो डरते रहे। जो अजाब आता तो वो मूसा से कहते थे सभी, ये बला हट जाए तो ईमान लाएंगे सभी। नील का पानी चढ़ा और खेती खा गया, टिड्डियों ने खा लिया सब्जी को तूफान आ गया। बन गया पानी लहू मेंढक बहुत पैदा हुए, चिचड़ी
पाई तो वो अफसुरदा हुए, हो गए जब वो परेशान तो कहा फिरौन से, ये सभी मूसा का जादू है कहा मलून से। बोला मूसा से कहो ईमान लाएंगे अभी, ये बलाएं सारी हट जाएंगी जो सर से अभी। जाके मूसा से कहा हम पर रहम फरमाइए, लाएंगे ईमान तुम पर ये बला हटवाइए। मांगी मूसा ने दुआ तो हट गया सारा अजाब, लाए ना ईमान वो जादू से बतलाया अजाब। हुक्म था अल्लाह का मूसा अमल फरमाइए, नील दरिया पर सभी को आप लेकर जाइए। कत्ल मूसा का इरादा कर लिया फिरौन ने, कत्ल मूसा का इरादा कर लिया फिरौन ने, कत्ल मूसा का इरादा कर लिया फिरौन ने, लेके लश्कर आपका पीछा किया फिरौन ने, लेके लश्कर पीछा किया फिरौन ने, लेके लश्कर आपका पीछा किया फिरौन ने। आप भी सब चाहने वालों को लेकर आ गए, नील दरिया पर रुके पीछे से कमतर आ गए। फौज थी उसकी बहुत मूसा नबी हैरान थे, कैसे बच पाएंगे हम साथी शिकस्ता जान थे। आ गए जिब्रील बोले लीजिए अपना असा, मारिए पानी पे उसको आप कहता है खुदा। आपने मारा असा पानी वो दो टुकड़े हुआ, पार दरिया से तभी मूसा का लश्कर हो गया। पीछे पीछे लेके लश्कर चल दिया फिरौन, फिर उसको दरिया ने डुबोया मर गया मलून। फिर फेंक दी पानी ने बाहर लाश वो मलून की, है अजायब घर में अब भी लाश वो फिरौन की। रब ने मूसा को फतह दी, दिन ढला था जुल्म का, थी सहर अच्छाइयों की खात्मा था जुल्म का। कैसे गौशाला को पूजा सामूरी का क्या हुआ, कैसे मूसा बीवी बच्चे लाए सारा माजरा। तीसरे हिस्से में लिखेंगे करो तुम इंतजार, है दुआ ये खैरियत से रखे सबको किरदिगार। फिर खुदा की याद में अनवार मूसा खो गए, फिर खुदा की याद में अनवार मूसा खो गए, फिर खुदा की याद में अनवार मूसा खो गए। उन दिनों ईमान वाले लोग काफी हो गए, उन दिनों ईमान वाले लोग काफी हो गए, उन दिनों ईमान वाले लोग काफी।